सीताराम इधर देख भैया इधर इधर से रहता बहुत काफी दिन से रहता है और घर में कोई नहीं है नहीं सास ससुर के नहीं सब मरी खाली हम अकेला हुई तो यहाँ कैसे रहती हो मतलब कैसे खाते पीते हो ऐसा मैंने मुझे करी था खाई था और यहीं सो जाते हो यहाँ सो जाए था ठंडी नहीं लगत रही ठंडी लगे तो क्या करा दो भाई एक तो था अगले साल तो कम्बल सब मिल गया चारों दीदी का कम्बल सब पिता रह भैया जाल लगे से जैसे रात्रि भवन मेरे द्वारा एडीएम साहब के द्वारा तहसीलदार साहब के द्वारा किया गया है बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ लोग रोड किनारे अगर छोड़े पाए गए हैं तो खासकर जैसे रिक्शा वाले जो भी उन लोगों को कम्बल अवेल कराया गया है और ये ड्राइव हम लोग रेगुलरली चलाएंगे तहसील लेवल पर भी चलेगा और अलाव की व्यवस्था हम लोग स्टार्ट की अभी रैन बसेरा की भी स्थिति ठीक है बट वहाँ पर अभी एक दो ही लोग वहाँ पर रुके हुए हैं अभी यूज कम हो रहा है जैसे जैसे ठंड बढ़ेगा बट हम लोग व्यवस्था पूरा ठीक है।